तो देखते हैं क्या पूछा है इस सवाल में देर आर फिफ्टीन टू बेडरूम फ्लैट इन अ बिल्डिंग एंड टेन टू बेडरूम फ्लैट इन सेकेंड बिल्डिंग एंड एट टू बेडरूम फ्लैट इन द थर्ड बिल्डिंग तीन बिल्डिंग है एक में पंद्रह एक में दस एक में आठ टू बेडरूम फ्लैट है हमें ढूंढना है कि अगर कस्टमर को एक फ्लैट खरीदना है तो उसके पास कितनी चॉइसेस हैं तो जितने फ्लैट्स उतनी चॉइसेस है ना तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन ये सारा गिवन कंडीशन है और हमें ढूंढना है कि एक फ्लैट खरीदने में कस्टमर के पास कितनी चॉइसेस हैं तो हमें पता है ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि या तो मैं ए इवेंट कर लूं या बी इवेंट कर लूं तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं एम प्लस एन तो या तो मैं पहली बिल्डिंग का कोई फ्लैट खरीद लूं उसकी कितनी चॉइसेस हैं आप बताएं फिफ्टीन चॉइसेस हैं या तो मैं दूसरी बिल्डिंग का फ्लैट खरीद सकती हूँ कोई एक राइट तो टेन चॉइसेस उसकी हैं या फिर मैं थर्ड बिल्डिंग में जाके कोई एक फ्लैट खरीद लू और राइट right? और दैट्स वाई वी आर एडिंग वी आर नॉट एडिंगीप्लाइंग ओके सो इसलिए पंद्रह प्लस दस प्लस आठ कितना हो जाएगा थर्टी थ्री थर्टी थ्री इज द सोल्यूशन विच इज मैचिंग विद ऑप्शन बी ओके तो देखते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन में फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर देयर इन अ टेस्ट ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इज देर

पहले तीन सवालों में चार चॉइसेस हैं जैसे ए बी सी डी इस क्वेश्चन में चार चॉइसेस दिख रही हैं ठीक है और अगले दो सवालों में पांच चॉइसेस हैं ए बी सी डी ई लेकिन आंसर सबका एक ही सही है सारे क्वेश्चन में एक एक ही आंसर सही है ठीक है हमें क्या पता करना है हमें पता करना है कि कितने तरीकों से स्टूडेंट आंसर कर सकता है सभी क्वेश्चन को देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब यह है कि वो छोड़ नहीं सकता कोई क्वेश्चन ही हैज टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसको कुछ ना कुछ टिक करके ही आना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो लैंग्वेज से समझते हैं करना क्या है पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको पहला क्वेश्चन एक्चुअली आंसर करना है उसको ठीक है पहला आंसर कर दिया फिर एंड उसको दूसरा करना ही करना है टिक करने करके ही आना है कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं है उसको टिक करके ही आना है एक एक सही जवाब टिक करना है एंड थर्ड भी करना है फोर्थ भी करना है फिफ्थ भी करना है तो एंड यूज किया है तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ए एंड बी टू अगर ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए पहला भी सॉल्व करना है दूसरा भी करना है तीसरा भी करना है उसके पास ऑप्शन नहीं है ठीक है तो एम इन टू एन मतलब मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे ठीक है तो पहले तीन क्वेश्चन उसको करने फर्स्ट तो अगर क्वेश्चन ओके okay, पांच है तो मैं पांच ब्लैंक स्पेसेस बना देती हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ और ये फिफ्थ पहला क्वेश्चन उसने देखा उसके पास कितनी चॉइसेस आप बताएं या तो ए ऑप्शन या बी या सी या डी चार चॉइसेस है कि नहीं पहले करने के लिए या तो ए को टिक कर देगा या बी को या सी को या डी को तो चार चॉइसेस है एंड दूसरे पे आएगा और फिर उसके पास फिर से क्या है फोर चॉइसेस है फिर फोर फिर तीसरे पे आएगा फिर से फोर चॉइसेस अब उसके पास अगले दो क्वेश्चन लास्ट टू क्वेश्चन है तो या या तो या तो B, या तो C, या तो ए, बी, सी, ये हो जाएगा एक्चुअली फाइव फोर ज्वेंटी फिर से फाइव फोर ज्वेंटी और फिर से फोर तो ये हो जाएगा फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई फोर बहुत ही आसान सिक्सटीन हंड्रेड ठीक है तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है आ गया समझ में क्या कहता है ये सवाल वी नीड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर डिजिट एग्जैक्टली वंस फाइव डिजिट का नंबर बनाना है और इस पूरे नंबर में सेवन जो है ये सेवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आना चाहिए कहीं भी आए सिर्फ और सिर्फ एक बार आना चाहिए तो सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे मान लेते हैं अगर सेवन यहां पे हो गया मान लेते हैं अगर सेवन फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो फिर जो जीरो नंबर है जो जीरो डिजिट है वो कहीं भी आए मुझे क्या फर्क पड़ता है है ना बट अगर ये फर्स्ट पे नहीं हुआ कहीं भी हो गया यहां हो गया तो फिर इस जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए मतलब मुझे दो केसेस लेने पड़ेंगे स्ट्रेट अवे दो केसेस लेने पड़ेंगे पहला केस कि जो सेवन है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाए तो मेरे पास एक दो तीन चार पांच जगह है मैंने सेवन को फर्स्ट जगह पे फिक्स कर लिया है ठीक है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कहीं भी नहीं है कि डिजिट रिपीट होनी चाहिए बाकी की या नहीं तो सारी डिजिट्स रिपीट होनी चाहिए बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट इज इज अलाउड अलाउड तो ठीक है मेरे पास कितनी डिजिट्स होती हैं एक्चुअली मैथ्स में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल टेन डिजिट्स होती हैं सेवन को मैं अब यूज नहीं कर सकती एक ही बार आना चाहिए मेरे नंबर में सेवन चला गया कितने बज गए तो दस डिजिट है एक गया नौ बज गए तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास नाइन चॉइसेस रेपिटेशन अलाउड है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता यहां पे कौन आया है इसके पास भी नाइन ऑप्शन है नाइन क्यों है क्योंकि सेवन बस कहीं नहीं आना चाहिए और सेवन लगा दिया अपन ने नाइन नाइन तो कितने तरीके से केस वन कर सकते हैं जब सेवन जो है वो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे आ जाए नाइन टू पार फोर तरीके से केस वन खत्म केस टू केस टू कहता है कि सेवन जो है वो पहली जगह पे नहीं है ठीक है तो फाइव डिजिट नंबर तो मुझे अभी भी बनाना ही है लेकिन ये जो सेवन है वो कहीं इन चार में से एक जगह पे है कौन सी जगह पे है किसी भी जगह हो सकता है तो मतलब सेवन सबसे पहले सेवन का खत्म कर देते हैं सेवन के पास कितने चॉइसेस हैं आप बताएं फर्स्ट पे नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ठीक है तो चार चॉइसेस है कि नहीं सेवन की बात करें तो चार चॉइसेस है सेवन गया ठीक है अब ये जो है सेवन मान लेते हैं कहीं बैठा हुआ है इधर बैठा दिया सेवन को चार चॉइसेस हैं इधर बैठा दिया अब पहले डिजिट पहला जो प्लेस है इसको मैं कितने तरीकों से भर सकती हूँ ये बताओ तो अभी भी मेरे पास क्या है ये टेन डिजिट्स तो है ही सेवन खत्म हो चुका है सेवन दोबारा नहीं भरेंगे ठीक है पहली डिजिट पे जीरो भी तो नहीं आना चाहिए तो दस डिजिट से दो चले गए कितने बज गए आठ आठ बेस से मैं पहली डिजिट को भर सकती हूँ पहले प्लेस को भर सकती हूँ उसके बाद सेकंड को मैं भर सकती हूँ कितने भी तरीके से बस सेवन नहीं आना चाहिए तो ये नाइन वेज हो गया ये भी नाइन हो गया ये भी नाइन हो गया सेवन तो फिक्स है ही एक ही तरीके से इसको भर दिया राइट right? तो फोर फोर क्यों आया क्योंकि चार प्लेसेस में सेवन कहीं भी डाल सकते हैं तो चा, चार चॉइसेस सेवन फिक्स हो गया फिर ये एट क्यों आया क्योंकि सेवन अब नहीं डाल सकते और जीरो जीरो नहीं आ सकता ना तो जीरो भी हटा दिया सेवन भी हटा दिया तो एट तरीके से सो दिस इज एट एंड देन वी हैव नाइन 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 क्योंकि बाकी तीन जगह पे तो सेवन को छोड़ के बाकी कुछ भी आ सकता है जीरो भी आ सकता है तो फाइनली क्या मिल गया मुझे क्यूब और ये मिल गया इसका जवाब टू पावर केस केस बोलो क्या करें या तो केस वन ठीक हो जाए या तो केस टू ठीक हो जाए ऐसी तो चाहते हैं हम चाहते हैं कि या तो सेवन पहली जगह पे आ जाए या तो सेवन बाकी की जगह पे आ जाए या मतलब क्या होता है और और मतलब क्या है इनको जोड़ दो टोटल पॉसिबल वेज जोड़ देने का तो फोर को क्या लिखू नाइन इंटू नाइन क्यूब लिख दू क्या कॉमन अंदर बच गया नाइन प्लस एट फोर जी टू तो ये होता है फोर्टी वन मल्टीप्लाई नाइन क्यूब आंसर जो बैठा हुआ है ऑप्शन सी में ठीक है बात आ गई समझ में अच्छे से काफी फन क्वेश्चन है ये पुअर डॉलीस टीवी फोर ऑल ऑफ वेज इन विच शी कैन चेंज द चैनल सो दैट शी इज बैक टू हर ओरिजिनल चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर फोर मिनट्स तो बेसिकली जो डॉली है उसकी टीवी में फोर चैनल्स चार चैनल दिखाए जा रहे हैं और सब बोरिंग है इसलिए वो बोरिंग बोर हो गई है और वो चैनल चेंज करती है लेकिन हर एक मिनट के बाद ठीक है तो हमें ये निकालना है कि कितने तरीकों से वो इस तरह से चेंज करे ताकि वो स्टार्टिंग में जो चैनल देख रही होगी वो आफ्टर फोर मिनट्स भी वही देख रही होगी और बीच में वो चैनल कभी उसने वापस नहीं देखा होगा वेरी फर्स्ट टाइम वो लास्ट में ही आएगी उसके ऊपर ठीक है लैंग्वेज क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि चार चैनल जो है वो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर है और ये भी सोच लेते हैं कि शुरुआत में मान लेते हैं कि वो C1 चैनल देख रही है एट t इज इक्वल टू जीरो क्योंकि मिनट्स की बात है तो टाइम ले लेते हैं एट t इज इक्वल टू जीरो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो C1 चैनल देख रही है ठीक है तो अब एक मिनट बाद आफ्टर फर्स्ट मिनट वो क्या करेगी उसके पास अब तीन चॉइसेस हैं क्योंकि C1 पे वो वापस तो आ नहीं सकती जो चैनल देख रही है उसको वापस उसको चलाना नहीं स्विच करना है चेंज करना है तो उसके पास कितनी ठीक है हुई तीन। तो ये तो हो गया टी आफ्टर फर्स्ट मिनट ठीक है मान लेते हैं उसने चेंज कर लिया आप चैनल आफ्टर फर्स्ट मिनट और वो मान लेते हैं सी थ्री देखने लग गई अब ठीक है सी थ्री देखने लग गई तो अब आफ्टर सेकेंड मिनट क्या होगा अब उसके पास कितनी चॉइसेस हैं तो उसके पास एक्चुअली क्योंकि वो सी थ्री देख रही है तो सी थ्री तो पिक्चर के बाहर हो गया चेंज करने चैनल तो सी थ्री देख रही है C3 के अलावा कुछ और लगाना पड़ेगा उसको और वो सीवन नहीं लगा सकती क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है जो ओरिजिनल चैनल देख रही थी वो बिल्कुल डायरेक्टली वो फोर्थ मिनट के बाद ही देखनी चाहिए बीच में वो वापस सीवन पे नहीं आनी चाहिए तो सीवन भी गया सी थ्री भी गया अब उसके पास आफ्टर सेकेंड मिनट कितनी चॉइसेस हैं दो चॉइसेस हैं सी टू और सी फोर की सिमिलरली सेम सिनारियो बनेगा आफ्टर थर्ड मिनट भी अगर आप सोचोगे तो उसके पास सेम दो चॉइसेस होंगी तो आफ्टर एंड थर्ड मिनट उसके पास दो चॉइसेस है सीवन वो देख नहीं सकती और वो जो करंटली देख रही है वो भी नहीं देख सकती तो दो हट गए तो बच गई दो चॉइसेस ठीक है तो पहले तीन फिर दो चॉइसेस फिर दो चॉइसेस आफ्टर थर्ड मिनट अब लास्ट क्या होने वाला है लास्ट में क्या होने वाला है उसके पास एक ही चॉइस है फोर्थ मिनट के बाद उसके पास एक ही चॉइस है जो पहले देख रही थी वही चलेगा तो सी वन देखने वाली चॉइस है उसके पास तो एक तरीका उससे हो गया तो थ्री चॉइसेस वन चॉइसेस सबको मल्टीप्लाई करना है राइट right? क्योंकि उसको हर बार चैनल चेंज करना ही है आफ्टर एवरी मिनट शी हैज टू चेंज इज एन एंड एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ट्वेल्व वेज से वो ऐसा कर सकती है ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ये बाई डिफॉल्ट रेपिटेशन अलाउड होता है लेकिन यहाँ लिखा है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है ठीक है कर लेंगे अब फोर डिजिट का मैक्सिमम होना चाहिए नंबर मतलब वन डिजिट नंबर होना चाहिए टू डिजिट होना चाहिए थ्री डिजिट होना चाहिए या फोर डिजिट होना चाहिए चार ही तो केसेस बनेंगे ठीक है उसके बाद ये नंबर जो दो सब भी बनेंगे कि भाई लास्ट डिजिट जो है या तो जीरो है या तो फाइव है या तो जीरो है या तो फाइव है या तो जीरो है या तो फाइव है ठीक है तो टेबल बना के चार्ट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ नहीं छोड़ेंगे तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से बना दिया अपन ने कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर एक है तो क्या होगा ठीक है और फिर उस नंबर ऑफ डिजिट में अगर एक है तो लास्ट पे जीरो आ रहा है तो क्या होगा और लास्ट पे फाइव आ रहा है तो क्या होगा इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं तो पहला केस जो है वो है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उस नंबर में वन है वन डिजिट नंबर बनाना है तो एंडिंग विथ जीरो कितने हो सकते हैं एक्चुअली एंडिंग विद जीरो एक भी नंबर नहीं होगा क्योंकि अगर एक ही डिजिट बनाना है वो भी आप जीरो रख दोगे तो ये वन डिजिट नंबर थोड़ी हुआ है ना ठीक है तो ये तो जीरो हो गया अभी यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर जिसका लास्ट डिजिट फाइव होना चाहिए तो वो क्या है एक ही नंबर है ऐसा फाइव ठीक है तो टोटल कितने हो गए एक डिजिट नंबर जो फाइव से डिविजिबल है टोटल हो गया वन वन का, का काउंट हो गया यहाँ पे ठीक है आगे बढ़ते हैं टोटल हो गया वन ठीक है आगे बढ़ते हैं अब टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर बनाने जिसमें से सबसे पहला चीज क्या है कि नंबर्स एंडिंग विद जीरो कितने होंगे टू डिजिट नंबर बनाने जीरो डाल दिया है है ठीक तो अब आपके पास क्या बच रहा है तो जीरो से लेके नाइन तक आपके पास टेन डिजिट होती है आपने जीरो डाल दिया लास्ट पे ठीक है तो यहाँ पे आप कितने तरीकों से डाल सकते हैं नाइन वेज से डाल सकते हैं तो टोटल तो कितने नंबर हो गए नाइन हो गए ठीक है नाइन ऐसे टू डिजिट नंबर्स होते हैं जिनके एंड में जीरो आता है ठीक है और बात हो गई अब फाइव फाइव पे एंड होने वाले टू डिजिट नंबर की तो अगेन मेरे पास क्या है यहाँ पे मेरे पास है दो डिजिट्स मैंने फाइव यहाँ पे फिक्स कर दिया है ठीक है मेरे पास अभी भी क्या है जीरो से लेकर नाइन तक टेन डिजिट्स है रेपिटेशन नॉट अलाउड है इधर क्या नहीं आ सकता है जीरो से लेकर नाइन टेन डिजिट्स होती है उन टेन में से यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता और यहाँ पे फाइव भी तो नहीं आ सकता रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो तो कितना बच गया एट एट वेज से आप पहली डिजिट को फिल कर सकते हैं एट हो गया और ओवरऑल टू डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय फाइव अगर पूछे तो कितना हो गया एक्चुअली वो हो गया सेवनटीन क्योंकि एट प्लस नाइन कितना हो गया सेवनटीन राइट थर्ड केस में हम बना रहे हैं थ्री डिजिट नंबर्स थ्री डिजिट नंबर्स बना लेते हैं ठीक है तो पहला चीज यह है कि नंबर्स एंडिंग विथ जीरो लास्ट डिजिट पे जीरो फिक्स कर लिया है तो second last का क्या करें और इधर का क्या करें तो यहाँ पे जीरो रेपिटेशन नॉट अलाउड है total nine digits बच रही हैं। है तो नाइन मल्टीप्लाई एट हो जाएगा नंबर एंडिंग विथ जीरो ऐसे तीन डिजिट नंबर की जो एंड हो रहे हैं फाइव पे तो तीन डिजिट नंबर फाइव पे एंड हो रहे हैं लास्ट डिजिट को मैंने फाइव पे फिक्स कर लिया फर्स्ट डिजिट की बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन नहीं आ सकता है जीरो तो बिल्कुल नहीं आ सकता और फाइव भी नहीं आ सकता क्योंकि तो नॉट तो ठीक है एट ऑप्शन ओवर हेयर और यहाँ पे कितने बच गए कितने ऑप्शन हो गए फाइव तो नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे सेकेंड प्लेस की मिडिल प्लेस की बात करू फाइव नहीं डाल सकते जो नंबर यहाँ यूज हुआ है वो भी नहीं डाल सकते तो एक्चुअली टोटल 8 तरीकों से सेकंड प्लेस भी भरी जा सकती है राइट right? तो कितना हो गया मल्टीप्लाई 8 हो गया ये तो तो हो गया ये 64 72 राइट व्हिच इज 136 टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 136 हो गए और अब फोर डिजिट नंबर बना लेते हैं फोर डिजिट नंबर जिसमें एंड में जीरो हो राइट right? एंड में जीरो होना चाहिए ये फिक्स हो गया अब इसको कितने तरीके यहाँ पे बात कर लेते हैं ठीक है फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ एक्चुअली नाइन वेज से जीरो गया है बाकी तो नंबर है नाइन से 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 फिर इसको eight ways से, इसको एट सेवन तो nine multiply, eight multiply, seven, और अब बात करते हैं ऐसे नंबर की कहा लिख लें ठीक है चार डिजिट नंबर है फाइव को लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया है पहले डिजिट पे जीरो और फाइव दोनों नहीं आ सकता तो मेरे पास एट ऑप्शन हो गए ठीक है सेकेंड पे क्या नहीं आ सकता फाइव नहीं आ सकता और वो नंबर जो यहां लिखा गया है वो भी नहीं आ सकता तो एट हो गए दो ही तो नहीं भर सकते एंड देन यहां पे सेवन ऑप्शन रहेंगे क्यों क्योंकि एक दो तीन तीन नंबर गए दस में से सात बजे सेवन एट मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई सेवन अगर आप सॉल्व करेंगे इसको और ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना 952 आ जाएगा टू आ जाएगा ठीक है तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन सब का टोटल जो होगा वही मेरा आंसर होगा इन सब का टोटल कर लेते हैं इन सब का एक्चुअली टोटल होगा इलेवन हंड्रेड एंड सिक्स इलेवन हंड्रेड सिक्स बैठा हुआ है ऑप्शन सी में ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है ठीक है